चंगेज खान के हमले से पहले हरात में 6,000 कारवानसराय और हमाम, 360 मदरसे, खानकाहें और 44,000 मकानात थे। इसके अलावा मुतअद्दिद बड़े उलमा, शयूख और बुजुर्ग यहाँ मदफून थे। चंगेज खान की मुजाहमत की वजह से हरात मुकम्मल तबाह हो चुका था। जब तैमूर यहाँ आया तो ये शहर दोबारा तामीर हो चुका था, मगर माजी वाली बात फिर भी नहीं थी। तैमूर हरात के अतराफ में रुककर उमर शेख की फौज का मुंतजर था। उमर शेख के पहुंचते ही तैमूर ने उसे 3,000 सिपाहियों के हमरा फारस भेज दिया और वहां मौजूद अपने छोटे बेटे मीरान शाह को तलब कर लिया। हरात के हाकिम मलिक मोहम्मद जश्की की कुव्वत खत्म करने का मौसर तरीका शहर की फसील को बारूद से उड़ा देना था, मगर मुश्किल ये थी कि बारूद का बड़ा हिस्सा फिरोजाबाद की जंग में इस्तेमाल हो चुका था। जब ही तैमूर ने शहर पे हमले का फैसला किया, तैमूर ने अपने दो दस्तों को आहिनी लिबास पहनाकर शहर की फसील की तरफ भेजा और एक दस्ता तीर अंदाजों का मामूर किया कि शहर की दीवार से उन्हें जो नुकसान पहुंचाए उसे निशाना बनाया जाए, और खुद भी तीर अंदाजों के साथ शामिल हो गया। दीवार पर चढ़ने वाले सिपाही मुसलसल ऊपर से पत्थरों और खोलते हुए तेल का निशाना बने। दूसरी जानिब शहर की दीवार के एक हिस्से पे सिपाही पहुंचकर दबाव बढ़ा रहे थे। 1,500 तैमूरी सिपाहियों की हलाकत के बाद बिलाखिर तैमूर की फौज का एक दस्ता उसके बेटे मीरान शाह की सरबराही में शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गया। तैमूर ने हिदायत की थी कि शहर में किसी पे रहम ना किया जाए, घरों को जलाया जा रहा था। तैमूर शहर से उठने वाले धुएं के मरगोले देख रहा था। दीवारों के मिसमार, घरों के गिरने और औरतों बच्चों के रोने की सदाएं उसे लुत्फ दे रही थीं। दौरान जंग उसका बेटा मीरान शाह तलवार के वार से शदीद जख्मी हुआ, मगर तैमूर के लिए बेटा और आम सिपाही यकसा होते। वो किसी के जख्मी या हलाक होने पे रोना धोना नहीं करता था। उसके मुताबिक ये जंग का हिस्सा है। नमाज असर की अदायगी के बाद उसे इतला दी गई कि मलिक मोहम्मद जश्की बेटों समेत गिरफ्तार हो चुका है। तैमूर ने उसे फौरी कत्ल करवाकर सर नेजे पे चढ़ा दिया ताकि उसकी फौज हथियार डाल दे, और वही हुआ। तैमूर के आगे हरात की फौज तस्लीम हो गई। मलिक मोहम्मद जश्की के दोनों बेटे भी उसके सामने पेश हुए। तैमूर ने कहा कि मेरी तुम्हारे बाप से कोई दुश्मनी न थी, अगर तुम वफादारी का अहद करो, मुश्किल वक्त में मेरी फौज की मदद करो तो मैं इक्तदार तुम्हें सौंप दूंगा, मगर तुम लोग हरात के गिर्द फसील तामीर नहीं करोगे। हाकिम हरात के बेटे बाप का अंजाम देख चुके थे। उनके लिए इससे अच्छी कोई बात न थी कि तैमूर उन्हें माफी के साथ इक्तदार भी दे रहा था। हरात और फिरोजाबाद की जंगों ने खुद तैमूर की फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। तैमूर जानता था कि अगर उसके किसी दुश्मन को फौज की अंदरूनी हालत की खबर मिल गई तो बाकी मानदा फौज भी तबाह हो जाएगी। यही वजह थी कि उसने मीरान शाह की मुकम्मल सेहतयाबी का भी इंतजार नहीं किया और तूस और कोचाक के रास्ते मावराय नहर रवाना हो गया। तूस में उसने सिर्फ 2 दिन कयाम किया, वो भी इसलिए कि घोड़े थकन उतार सकें। इस दौरान वो मशहूर शायर फिरदौसी की कब्र पे भी गया। वहां से केश शहर पहुंच गया। केश में हर तरफ दरख्त लगाने की हिदायत की। केश में एक हफ्ते के क्याम के दौरान दुनिया भर से जमा किए गए माहिरीन ने तामीरात की केश शहर में होने वाली तामीरात का जायजा लिया। इसी दौरान उसने केश शहर के मुकामी आबादी के लिए वजीफे का इजरा किया ताकि वो खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। तैमूर फौज की तैयारी के साथ साथ अब हिंदुस्तान का रुख करना चाहता था, जो तवील अरसे से उसका तातुल में पड़ा मंसूबा था। मगर इससे पहले कि वो हिंद की जानिब रुख करता, उसे फारस से अपने बेटे उमर शेख के कत्ल की गमगीन खबर मिली, जिसे शिराज के करीब कत्ल किया गया। तैमूर इन खबरों को कभी अपने ऊपर सवार ना करता, मगर इंतकाम लेना उसकी सरशिस्त में शामिल था। उमर शेख के कत्ल के सबब फारस में हालात खराब हो रहे थे। तैमूर ने एक बार फिर हिंदुस्तान जाने का फैसला तर्क करके फारस का रुख किया। 70,000 की ताज़ा दम फौज के साथ तैमूर ने सफ़र शुरू कर दिया। दौरान सफ़र एक नदी के किनारे उन्होंने पड़ाव डाला। नमाज ज़ोहर के बाद वो कैलूला कर रहा था कि इस दौरान एक सांप ने उसके टखने के ऊपर काट लिया।
तैमूर के हिफाजती दस्ते ने फौरी सांप मार दिया। तैमूर को कांटा चुभने जितनी तकलीफ हुई और ये जंगों को लगने वाले जख्मों से कहीं कम थी। इस दौरान तैमूर को रास्ता दिखाने वाले एक मुकामी बुजुर्ग ने सांप देखा तो खौफ ज़दा हो गया और कहने लगा कि ऐ अमीर, ये काला नाग है, इसके काटने से बंदा नहीं बचता सिवाय इसके कि कांटे की जगह से फौरी जहर निकाला जाए। तैमूर ने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया? बुजुर्ग ने फौरी रस्सी मंगवाई और दाई पिंडली पे मजबूती के साथ बांध दी। फिर तैमूर का खंजर लेकर जहां सांप ने काटा था वहां सुराख बनाकर मुंह से खून चूसना शुरू कर दिया और फिर उसे थूक देता। दोपहर से असर तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर तैमूर को पहले बुखार हुआ। 2 दिन तक वो सख्त बुखार में मुब्तला रहा। उसकी टांग सूजकर इतनी फूल गई गोया उसने टांग से मशकीजा बांध रखा है। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बेहतर होना शुरू हुई। बुजुर्ग और उसका बेटा तैमूर की रहनुमाई करते उसे मुख्तसर रस्ते से फारस पहुंचा चुके थे। तैमूर ने उन्हें ऊंट और भारी मुआवजा दिया। शिराज के नवा में शहर के दारोगा से तैमूर की मुलाकात हुई, जिसने बताया कि उमर शेख को बोवेर कबीले के लोगों ने कत्ल किया। उनका वतन जंगलात से घिरे इलाके में है, जहां पानी वाफिर मकदार में है। वहां जाने वाले रस्ते बास जगहों पे बेहद तंग और ज्यादातर घने जंगलात हैं, जिन्हें मुकामी खूब जानते हैं। बाहर से आने वाले के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। तैमूर बेटे के इंतकाम की नीयत से आया था। बगैर लड़े वो वापस लौट ही नहीं सकता था, क्योंकि यही उसकी रिवायत थी। बोवेर नामी ये कबीला बोवेर नाम के मुल्क में ही रहता था। ये एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ के जंगल इतने घने थे कि दिन में भी बहुत सी जगहों पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती थी। ये इलाका इतना दूर और दुश्वार गुजार था कि एक अलहदा मुल्क ही की सूरत इख्तियार कर गया और यहाँ के सबसे बड़े कबीले बोवेर के लोगों ने वाफिर पानी के ज़रिए खेती बाड़ी के बजाय लूट मार को बतौर पेशा इख्तियार कर लिया। दौरान शिकार इसी तरह उन्होंने उमर शेख को कत्ल किया था। चूंकि बोवेर का रास्ता पुरेसरार और दीगर लोगों की दस्तरस से बहुत दूर था, तो तैमूर ने उसके लिए एक मंसूबा तैयार किया। पहले उसने अपने साथियों और शिराज के चंद मौजिज़ लोगों के ज़रिए ये खबर फैलाई कि वो ख़जाने की रकम एक बड़े काफ़िले के ज़रिए इस्फहान भेज रहा है। फिर उसने 500 घोड़सवारों को और ऊँटों पर मुश्तमिल कारवान तैयार किया और कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि बोवेर कबीले की हदूद के पास से गुजरे, ताकि बोवेर कबीले के लुटेरे आसानी से काफ़िले पर हाथ डाल सकें। साथ ही एक तजर्बाकार दस्ता अलग से पीछे रवाना किया कि जब बोवेर के लोग लूट मार करने लगें तो उन पे हमला करके जिंदा गिरफ्तार किया जाए। तैमूर की हिकमत अमली कामयाब रही। मंसूबे के मुताबिक बोवेर के तकरीबन सारे लुटेरे पकड़े गए। तैमूर के लोगों ने उनसे पूछगछ की तो पता चला कि बोवेर के रस्तों से मुतालिक जो मालूमात तैमूर को दी गई थीं वो दुरुस्त निकली। खुफिया रास्ता सिर्फ एक था, जहां से सिर्फ एक शख्स एक वक्त में गुजर सकता था और फौज के लिए वो नामुमकिन था। अब जंगलात का ही रास्ता बाकी था। तैमूर ने बारूद बनाने वालों को मजीद बारूद की तैयारी का हुक्म दिया और फौज लेकर बोवेर की तरफ चल पड़ा। जानने के लिए देखते रहिए द लॉस्ट मुस्लिम हिस्ट्री चैनल।